और अपने प्यार के लिए प्यार की खातिर उज्मा ने उर्मिला बनकर भागीरथ संग लिए साथ फेरे। आप सभी का सबसे तेज खबर स्वस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। यूपी के पीलीभीत में उज्मा प्यार की खातिर उर्मिला बन गई। उसने धर्म परिवर्तन कर अपने प्रेमी भागीरथ के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। बरेली में एक आचार्य ने दोनों का विवाह कराया। इससे पूर्व दोनों ने अपने बालिक होने का प्रमाण दिया। कहा जाता है प्यार कुछ भी नहीं देखता, प्यार अंधा होता है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के नेवरिया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर नेवरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली उज्मा उर्मिला और भागीरथ दोनों एक ही गांव के निवासी हैं। दोनों के बीच बीते 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों ने एक साथ जीने और मरने की कस्में भी खाई थीं, लेकिन उनकी मोहब्बत में मजहब की दीवारें सामने आ गईं। और जब उज्मा के घर वालों को उनके प्रेम प्रसंग का पता चला तो उन्होंने उस पर बंदिशें लगा दीं। बावजूद इसके उज्मा अपने प्रेमी के साथ चोरी छिपे बात करती रही। उज्मा ने प्रेमी से शादी करने के लिए घर छोड़ने का फैसला भी कर लिया। उधर प्रेमी ने भी साथ देने का वादा किया, जिसके बाद भागीरथ और उज्मा दोनों बरेली के आश्रम में पहुंचे, जहां दोनों ने अपने बालिक होने के प्रमाण पत्र दिखाए और आचार्य ने उज्मा का गंगाजल से शुद्धिकरण कराया। उज्मा ने धर्म परिवर्तन करने के बाद अपना नाम उर्मिला कर लिया। आश्रम के आचार्य ने दोनों का विवाह कराया। भागीरथ से शादी करने के बाद उज्मा ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, इसमें किसी का भी कोई दबाव नहीं है। उज्मा से उर्मिला बनी युक्ति ने अपने घर वालों से जान का खतरा भी बताया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ये बड़ी खबर, जहां पर उज्मा ने उर्मिला बनकर भागीरथ के संग साथ फेरे लिए। बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के साथ यहां पर शादी कराई गई। आचार्य के शंखधर ने बताया कि दोनों ने अपना बालिक होने का प्रमाण पत्र दिखाया। दोनों ने यह भी बताया कि वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के होना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी कराई व दोनों को खुश रहने के आशीर्वाद भी दिए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मजहब की दीवार तोड़कर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा है और दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे भी लिए हैं। बरेली में आचार्य ने दोनों की हिंदू रीति रिवाज से आश्रम में शादी कराई है। हालांकि उज्मा से उर्मिला बनी युक्ति अपने घर वालों से जान का खतरा बता रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों, जो बरेली पहुंचे और बरेली में दोनों की शादी कराई गई। हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों ने एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए देने की कस्में खाई। भागीरथ संग उज्मा से उर्मिला बनी युक्ति ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। इस दौरान जब महिला व उसके प्रेमी तथा आचार्य के संगठन से बातचीत की गई तो उन्होंने भी बताया कि इसमें किसी का दबाव नहीं है, दोनों ने अपने मर्जी से शादी की है और दोनों बालिग हैं। पहले आप पहनाएंगे, इधर को सामने खड़े होने। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षर व्रियजात्रा स्थैरंग तुष्ट वाग्वांग सहस्तनु भ्रियसे माही देवहितं जदायु। हम आपका शुद्धिकरण कराने जा रहे हैं और ये सामने जो रखा है कटोरी में, इसमें गौमूत्र मिलाया हुआ है और इसमें गंगा जल है, ठीक है। पहले हम छिड़केंगे, उसके बाद में आपको 3 बार पीना है। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाभ्यंतरा शुचि। हाथ धोइए पहले। ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ये सीधे हाथ ऊपर रखिए,
सीधा हाथ ऊपर रखिए, जल ये गंगा जल और गोमूत्र लीजिए, पिए इसे। ओम माधवाय नमः। दोबारा फिर लीजिए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। पियो, अब हाथ धो लो। ओम श्री केशाय गोविंदाय नमो नमः। आप भी हाथ धोइए। ओम श्री केशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। पी लो, दोबारा हाथ धो लो। ओम श्री केशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको गंगा जल और गोमूत्र पिलाकर आपका शुद्धिकरण किया गया है। आपने कहा था शुद्धिकरण कराने के लिए, जिस प्रकार आपने शपथ पत्र दिए हैं। तो उसी से जितने भी बातचीत होगी हमारी, तभी से हमारी प्यार की बातें चलने लगी और फिर एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे। इसके बाद में फिर क्या नाम अपने शादी का सोच लेके हैं जो कर रहे, और अपने क्या नाम है, फिर हमने सोचा कि वैसे घर वाले मानेंगे खिलाफ, और इस चक्कर से उनको थोड़ी बात मालूम थी मतलब हमारे बारे में, और इसी चक्कर से क्या नाम रिश्ता तय हो जाएगा। इससे पहले हमने कहा कम खबर हो रही है, ये दिक्कत हो जाएगी, वो हमारी बहन नहीं जी सकती, हम उनके बहन नहीं जी सकते, बस जी नहीं है मतलब। वैसे तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन इस बात का डर है अपने क्या नाम है कि कल को कोई कर सकते हैं, अगर हम पहुँचे हम जाएँ तो हमें खतरा है उनसे, क्योंकि जिस गाँव में हमारा रहते हैं उनके ढकिया गाँव में, और उस गाँव में उनके फूफा हैं, लड़की है और मामा भी हैं। ये पीलीभीत जिले के रहने वाले हैं, न्यूरिया थाने के क्षेत्र में इनका गांव आता है, और ये लोग जो हैं, इनका फ़ोन आया था दो दिन पहले, तो बातचीत हुई, तो मैंने कहा अगर आपके आप दोनों लोग बालिग हैं तो देखेंगे, आप यहाँ पर आकर के शपथ पत्र वगैरह बनवाइए। शपथ पत्र उन्होंने बनवा के दिए हैं, और इनका जो है हमने सभी डॉक्यूमेंट्स, हमारे जो विधि प्रकोष्ठ के वकील साहब हैं उन्होंने सबको जांच करने के उपरांत जब इनको ओके कर दिया, अब आज इनकी हम शादी करा रहे हैं। लड़की का नाम पहले उजमा था, अब इनका नाम जो है इन्होंने अपने स्वेच्छा से घर वापसी करते हुए अपना नाम इन्होंने रख लिया है उर्मिला, और लड़की का नाम भगीरथ है। ये संप्रदाय जो है कट्टरपंथी लोगों का तो है, और इसमें भले कितने भी सीधे सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी डर तो रहता ही है उनसे, और इन्हें भी डर है, बताया उन्होंने कि हमारे साथ कोई घटना वगैरह घट सकती है। बिल्कुल चुपचाप वो लोग बैठे हुए हैं, एक वाल सा उनके अंदर है, सब प्रतीत होता है, इसलिए सुरक्षा की मांग वगैरह करेंगे ये अपने एस एस पी महोदय से, आई जी महोदय से।